स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना सीख रहे हैं, जितने भी वीवीआई क्वेश्चन आते हैं सबको हम सॉल्व करना सिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि बहुत कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो आप सब लोग समय की बचत कीजिए और कम समय में अच्छा से कॉन्सेप्ट सीख कर बढ़िया से एग्जाम में लिख कर आइए। लेकिन सुनिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, जिसको देखने के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा। और फिर कोई ऐसा विद्यार्थी है आप लोगों में जिनका मैथमेटिक्स में अच्छा से प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो उनको अभी अभी एक कोर्स पूरा किया गया है, उस पूरे कोर्स का लिंक आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना, जिसे फॉलो करके आप जिससे बढ़िया से समझ कर आप बढ़िया से मैथमेटिक्स में पकड़ बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, उसे भी आप जाकर मतलब फॉलो कर सकते हैं, उसको टच करके आप जुड़ सकते हैं उसमें, ताकि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स तो आपका फेवरेट चैप्टर रहा है, फेवरेट मन, मतलब कि मन खुश रहता है आप लोगों का इसमें, ठीक है ना। तो अब इसमें क्वेश्चन लिए हैं हम, जो वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू क्या दिया है, तो 3 - 5 - 4 2, राइट। तो देन तब ए स्क्वायर -14i = 0, ये हमें प्रूव करना है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और आपको बता दें कि बिल्कुल बोर्ड मॉडल है, मतलब ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया था। तो इसके पहले भी हम शॉर्ट क्वेश्चन वाला सीरीज चलाए हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा तो उसका लिंक है, ये सब भी लिंक मिल जाएगा उसमें। लेकिन बात यह है कि जितने इम्पोर्टेंट, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर अब जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है उसको थोड़ा करा दीजिए। चलिए, आप लोगों के लिए तो सब कुछ हाजिर है ना, चलिए मुस्कुराइए नहीं, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, खाली हंसते रहते हैं, लाफिंग गैस सुनिए, है ना, यहाँ देखिए। तो कैसे करेंगे सोल्यूशन, आपका हमारा जो नोक झोंक है ना, आपका हमारा जो प्यार है वो अटूट है, अटल है, है ना। अब आप हमसे जब पढ़ रहे हैं तो समझिए कि जब जुड़ गए हमसे, आप किसी शिक्षक से पढ़ते हैं आप, तो समझिए उसके साथ रिश्ता बहुत प्रगाढ़ हो जाता है। ए स्क्वायर निकालना है तो क्या लिखेंगे, ए इंटू ए, ए को दो बार लिखे यहाँ पे, ए का मान 3 - 5 - 4 2, गजब हो गया। फिर 3 - 5 - 4 2, गजब ये हो गया। तो इससे करेंगे इसमें गुना, 3 * 3 = 9 - 5 * 4 कितना होगा, +20। गुना सीख लीजिए, पूछता है बार बार। चलिए इससे करेंगे इसमें, 5 * 15 - 15 - 5 * 10, गजब। इससे करेंगे इसमें तो -12 और -8, इससे करेंगे इसमें तो कितना होगा, 20। उसके बाद क्या होगा, +4। तो ये रहा शानदार शानदार तरीका से। रो से कोलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम, फर्स्ट रो सेकेंड कोलम, मैट्रिक्स वाला कहानी है भाई। तो कितना होगा, चलिए 29, ये होगा -25, ये होगा कितना, -20, ये कितना होगा, 24। चलिए आ गया यहाँ पे बात, क्या आ गया बात यहाँ पे, क्लियर हो गया ये। अब आइए जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहानी क्या बन रही है समझने की बात है यहाँ पे। चलिए नाउ माने अब, यहाँ पे ए स्क्वायर -5a - 14i निकालेंगे तो क्या होगा। देखिए बुआ, ए स्क्वायर का मान कितना आया है, 29 - 25, या यह है -20, उसके बाद आया है 24, ये आ गया। अब चलिए -5 से गुना करेंगे ए में,
तो चलिए इसको आप गुना भी करके लिखिए ना, 5 से गुना कीजिए इसमें, तो माइनस का साइन रहेगा। 15, 5 पचे 25, 5 से गुना कर रहे हैं, माइनस तो बाहर रखे हैं ना, माइनस 20, गुड। उसके बाद 5 दुना 10, गुड बॉय। और फिर क्या है सर, माइनस 14, और आई का मान देखिए, आई का मान कितना है देखिए, समझिए बात को बढ़िया से, आई का मान 2/2 में लिखेंगे 1001। तो अब इसमें 14 से गुना कर दो भाई, विद्यार्थी जी 14 से गुना कर दीजिए ना। चलिए तो क्या होगा, गुना करेंगे तो माइनस 14 है ना। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते थे, अब बिछड़ गए, उनसे तो कहना चाहेंगे कि अब हम आपसे बिछड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब याद आना चाहते हैं। बहुत याद आते हैं आप लोग ऑफलाइन वाले, मिस यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा, और ऑनलाइन क्लास वाले भी बहुत ज़्यादा याद आते हैं। लेकिन बात है कि नहीं मुलाकात हुई है ना, ज़रूर मिलिएगा आप लोग, अच्छा मर्स आएगा आप लोगों का, है ना। चलिए देखिए तो बुआ क्या क्या होने जा रहा है यहाँ पे, क्या क्या होने जा रहा है। क्वेश्चन तो सही लिखे हैं ना, चलिए बिल्कुल सही लिखे हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा लास्ट में। चलिए तो 29 माइनस 15 कितना होगा, 14 राइट। माइनस 25 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 25, थोड़ा सा चेकअप करना पड़ेगा, गलती तो नहीं हुआ है देखिए। माइनस 25 माइनस 25 ये कैसे हो जाएगा, गुना किए हैं तो देखिए इसे करेंगे इसमें, तो 5 3 15 माइनस, ठीक तो है, माइनस 25 आया है, ठीक है। और फिर क्या रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ भी क्या है ना, यहाँ माइनस है तो गुना करने पर क्या होगा, माइनस 25 होगा। चलिए तो माइनस 25 प्लस 25 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए माइनस 20 और माइनस प्लस प्लस 20 जीरो, 24 घटा 10 14 जीरो, भाई यहाँ देखो 14 0 0 14। अब देखिए ना आ गया बुआ 0 0 0 0, इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ओ लिख देंगे, ओ जीरो मैट्रिक्स। तो यही प्रूव करना था और लिख के देखें लास्ट में क्या प्रूव्ड। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन प्रिंटेड रहेगा आपके लिए, बिल्कुल प्रिंटेड रहेगा। अब मुस्कुराइए नहीं, ठीक है ना, विश्वास कीजिए, विश्वास से ही तो सारा खेल हो रहा है ना। सो बहुत बढ़िया से मजा आ रहा है ना, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मजा आ रहा है तो बहुत मुस्कुराते हैं आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पे मिटा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, बहुत ही अलग तरीके से समझना है बात को, बदमाशी करते हैं बच्चे आजकल। पहले तो जमाना था क्या, गुलाब का फूल लेके ये और बोलता था वो वाला बात, लव यू वाला बात। अब तो कुछ लड़का सब बहुत ही अलग तरीका से कहता है, एक ही ख्वाब मैंने देखा है बार बार कि मेरे घर की चाबी तेरे साड़ी में उलझती रहे, मतलब कुछ भी, मतलब अलग अलग तरीका अप्लाई करता है। जानते हैं कौन है ये, सोनू है ना, सोनू बहुत बदमाश है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन तो आप जान गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या यहाँ पे कि इफ, बहुत बढ़िया, इफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 3 2 3। शॉर्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से कुछ खास थोड़े मिलेगा, जो मिलेगा वो बन जाएगा बालक। लेकिन देख लीजिए, तसल्ली हो जाए आपके आत्मा को, आपकी प्यासी आत्माएं, आत्मा ही भाई, बहुवचन में नहीं बोलिए। क्या है यहाँ पे, 1 2 माइनस 1 1 2 का माइनस 1, गाना नहीं है, 0 माइनस 1 0 माइनस 1 3, है ना। बहुत बच्चे कहते थे कि सर बड़ा सीरियस रहते हैं आप लोग ना, अब तो ड्रामा भी कुछ कुछ देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। तो कह रहे कि देन फाइंड क्या है, 2a माइनस 3b। गजब का क्वेश्चन है, आसान है और मज़ेदार क्वेश्चन है, देख लीजिए बस काम आसान हो जाएगा। चलिए एग्जाम सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, चलिए क्या निकालना है, 2a माइनस 3b निकालना है। चलिए 2 और a का क्या है, 2 3 1 2 3 1 0 माइनस 1 5,
उसके बाद माइनस थ्री, वन टू माइनस वन, जीरो माइनस वन, थ्री, ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे है, यहाँ पे देखिए क्या करना है। सबसे पहले करेंगे गुना, दो दूना चार, दो तिहाई छ, जीरो माइनस टू, दस, तीन, उसके बाद छ माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ तीन तिहाई, तीन एकम तीन, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस तीन, माइनस ऑलरेडी रखे हैं ना यहाँ पे, सिर्फ तीन को भीतर भेजे हैं, सिर्फ तीन को भीतर भेजे हैं। चलिए उसके बाद तीन गुने जीरो जीरो, तीन गुने माइनस वन माइनस तीन, कितना होगा माइनस नौ। चलिए यहाँ देखिए, तो चार घटाओ तीन कितना होगा, एक होगा, छ माइनस छ जीरो, दो माइनस माइनस प्लस, दो तीन पाँच, जीरो माइनस जीरो जीरो, माइनस दो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस दो प्लस तीन कितना एक होगा, दस माइनस माइनस प्लस दस ना उन्नीस, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। जरा सा एक बार मिला लेते हैं आंसर आपको, ताकि मतलब कि कैलकुलेशन में हमारा हिसाब किताब क्या है, गड़बड़ है लगता है हमको, गड़बड़ है ही, यहाँ माइनस नाइन कैसे आएगा, नहीं आएगा माइनस नाइन ना, क्योंकि तीन तीन नौ ना होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलाते हैं, एक कितना होगा, दस घटाओ नौ एक। चलिए तो ये हो गया आपका आंसर, ये आपका मतलब कि देख ले रहे हैं को, वन एक सौ पाँच, एक सौ पाँच जीरो जीरो वन, गुड। तो यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसी तरह देखिएगा, मतलब कि हमेशा अलर्ट रह के काम करना है आपको, अलर्ट मतलब कि कभी भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। मैट्रिक्स है तो क्या हो गया, कैलकुलेशन तो वहीं रहेगा ना, कैलकुलेशन सबसे डेंजर पार्ट होता है मैथमेटिक्स का, एक बार नहीं समझ में आया तो सब कुछ गया। सो आगे देखिए, देखा जाए क्या है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया ना, यहाँ देखिए कह रहे कि सिंप्लीफाई, सरल करें, क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, तो क्या हो गया, यहाँ देखिए कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करना जरूरी है। कहते होंगे सर क्या मैट्रिक्स में क्वेश्चन ला रहे हैं, मेरे भाई क्वेश्चन ऐसे ही आता है मैट्रिक्स में, बिल्कुल सिंपल सिंपल, ठीक है ना। यहाँ देखिए जो आता है शॉर्ट में वही तो बताएंगे ना, सब बन जाएगा आपसे ना, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, क्लियर, प्लस साइन से गुना, यहाँ देखिए साइन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसे कुछ बातें हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ थीटा है तो गुना कीजिए, पहले सब में गुना होगा ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पे तो टेंशन फ्री, आइए साइन से कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए तो अब क्या है ना कि अब जोड़ना है इसको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए कॉस स्क्वायर दर्शाना पड़ेगा लिखकर, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, देखिए स्टेप भी कट कर सकते हैं, लेकिन नहीं एग्जाम में स्टेप कट मत कीजिएगा, समझिए साहब बउआ बन जाइएगा एग्जाम में। बउआ से क्या करता है, लिखता है दू प्लस दू गुने तीन, तो फिर लिखेगा दू आ प्लस तीन गुना छ, तो दू आ प्लस छ कितना होता है, आठ होता है। इतना स्टेप फॉलो सके एग्जाम में, पूरे स्टेप को लिखिएगा तब नंबर आएगा, समझे चला। यहाँ देखिए तो इससे हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस है तो माइनस का साइन रहेगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे। चलिए ये कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा,
तो ये होगा 1001, क्या होगा 1001, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई टू भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझे बुआ, है ना, बहुत कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। चलिए हटाते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा चीज दिया गया है, उसको फॉलो कीजिए भाई और अपना लाभ उठाइए। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको बता देना चाहते हैं, शॉर्ट में शॉर्ट आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना, जीरो साइन एक्स कॉस एक्स फिर जीरो 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 वन, ये है आपका क्वेश्चन। करें कि प्रूव डैट देन प्रूव डैट क्या चीज, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये चीजें हो जाएंगी। बट प्रूफ करना है, इसे प्रूव करना है हमें। देखिए भाई ये किसके बराबर लाना है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। और बता दें आपको इस क्वेश्चन की क्या है जानकारी, तो ये पता चला है सूत्रों के अनुसार, कौन सूत्र, मतलब कि नॉलेज के अनुसार, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कौन सा, तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13, है ना। जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम लोग क्यों समय लॉस करेंगे, आप जाइए और एनसीईआरटी खोलिए, उस क्वेश्चन को देखिए, या तो सोल्यूशन बनाए होंगे, फिर भी नहीं मिलेगा तो आप सर्च कीजिएगा 3.2 बाई आर के सिंह, उसमें क्वेश्चन हम बनाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर बनाएंगे आप, टुकुर टुकुर देखिएगा, समय लॉस होगा, वहाँ बना बनाए मिल जाएगा, तो कैसा रहा ये सोल्यूशन सब। तो चलिए अब मैट्रिक्स में तीन ही क्वेश्चन दे रहे बना है, अभी चौथा क्वेश्चन ही हो गया। अब कुछ बात और समझिए, एनसीईआरटी के बाद समझिए, एनसीईआरटी का बात बता रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1 में जाइएगा तो 6 और 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6 और 7, ठीक है ना, और 3.2 में 7 और 8, अब सुनिए और बात सुनिए, और 3.3 में जाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 और 10। चलिए इतना क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैट्रिक्स से एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा, ये सब आता होगा आपको भाई, हम जानते हैं, नहीं है आप लोगों को, ये सब आप लोग को आता होगा, एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा मैट्रिक्स से ना, तो बोलिए सर गलती कह रहे थे आप, गलती नहीं ना कहेंगे, मेरे भाई हैं आप लोग, छोटे भाई बहन की तरह हैं आप लोग, अच्छा होगा, बड़ा गर्व होगा मुझे, है ना, जी जान लगा दीजिए। सुनिए, बड़ा विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि जिन भाई बहनों का क्लास छूटा हुआ है, सही से मैथमेटिक्स नहीं पकड़े हैं, तो वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, एक कोर्स बना हुआ है, उसके लिए कुछ कॉस्ट लगता है, बहुत मिनिमम कॉस्ट लेते हैं, कॉस्ट लगता है, उसको आप लोग जाकर मतलब क्या कीजिए, ले लीजिए और बढ़िया से पढ़ लीजिए, कम से कम अगर बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपका भविष्य बन जाएगा, बड़ी खुशी होगी हमें, और आप लोग चमकते दमकते दुनिया में रहिएगा, अच्छा लगेगा, कम से कम जुबा पे आपके मेरा नाम है, कम थोड़े है मेरे लिए। चलिए तो थोड़ा सा दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, खाली भाई भाई कहिएगा का, भाईचारा नहीं निभाइएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक ठोक दीजिए अभी का अभी, और फिर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, फिर आएंगे आपका बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।